पहुंचे हैं चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर। ये देखना होगा कि इस क्षेत्र पर कितना काम हुआ, जनता उनके। आप देख रहे हैं न्यूज वर इंडिया का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी। आज हम पहुंचे हैं चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर। ये देखना होगा कि इस क्षेत्र पर कितना काम हुआ, जनता उनके कामों से कितना खुश है। रोजगार के लिए केवल 5,000 रुपए भत्ता देंगे या रोजगार देंगे भी? उत्तराखंड का दर्द मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर इंडिया का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौड। आज हम पहुंचे हैं चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर, जहां से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी। ये देखना होगा कि इस क्षेत्र पर कितना काम हुआ, जनता उनके कामों से कितना खुश है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने मेहमानों का आपके साथ स्वागत करा दे सकते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से हैं उमेश खंडूरी जी, इसके साथ ही हमारे साथ भाजपा से डिबेट में शामिल हैं पंकज डिमरी जी और कांग्रेस से हमारे साथ शामिल हैं हरि कृष्ण भट्ट जी। वहीं आम आदमी नई पार्टी जो चुनाव लड़ना चाह रही है उत्तराखंड में, अनूप चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही आम जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जो पूछेगी कि आखिरकार कितना विकास कार्य इस विधानसभा सीट पर हुआ। लेकिन शुरुआत करेंगे सत्ताधारी दल से। सर, कर्णप्रयाग विधानसभा सीट आपके पास लगातार यहाँ की चाबी रही, केवल एक बार कांग्रेस के हत्थे चढ़ी, कितना विकास कार्य आपने सीट पर अभी तक किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और पिछले 4 सालों में वो विकास के कार्य वो हैं जो पिछले लंबे समय से नहीं हो पाए थे। और इस कार्यकाल में हमको केंद्र सरकार की अभी पूरा सहयोग मिला और केंद्र सरकार की बहुत सारी वित्तीय योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं। लगभग प्रदेश में 1,00,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं और उनमें से जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण योजना कर्णप्रयाग ऋषिकेश लाइन, जो 16,216 करोड़ की लागत से बन रही है, वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आ रही है और कर्णप्रयाग का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में प्रदर्शित होने वाला है। चार धाम ऑल वेदर रोड का काम यहाँ हो रहा है। एक मिनट, मैं इसमें जब बोलना चाहूंगा, जो उपलब्धि ये बता रहे हैं केंद्र सरकार की उपलब्धि, मैं तो ये कहना चाहूंगा इस विधानसभा में विधायक जी की क्या उपलब्धि है ये बताए। जो आप जो है इनके नेता और विधायक अपने विकास कार्यों के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं उसका जवाब दें। केंद्र सरकार की तो योजना थी और इसका भी शिलान्यास हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने गौचर में आके माननीय रेल मंत्री जी के साथ किया था। ये दूसरे की योजनाओं को अपने नाम से थोपने के माहिर हैं। आप इनको पूछिए कि आप अपनी वर्तमान की 5 साल की योजना बताइए। 5 साल की योजना, यही विधानसभा का हमारा चुनाव है, हम चाहते हैं कर्णप्रयाग विधानसभा में आपने जो काम किए वो आप जनता को गिनाने की कोशिश करें पहले तो। निश्चित तौर पर मैं इस बार कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को काटना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, हम लोग जनता के पास चुनाव में डबल इंजन की सरकार की मांग को लेकर गया थे। जनता ने हमको बहुमत कृपया मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस की सर कांग्रेस को कभी स्टार्ट नहीं हो रहा, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। 3-3 ड्राइवर बदल दिए, देख लिए, 2 राज्यपाल बदल के देख लिए, तभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। इसका फायदा राज्य को मिला है, रेल की योजनाओं पे हो रहा है, भारत माला की योजनाओं पे काम हो रहा है, राज्य सेक्टर की योजनाओं पे। कर्णप्रयाग विधानसभा सीट की कोई बड़ी घोषणा है, बड़े काम किस योजना का जिक्र कर रहे हैं? भारत माला, ये ट्रांस एशियन हाईवे जो हमारी राज्यसभा सांसद मनोरमा डोबरियाल शर्मा थी उनके द्वारा प्रस्तावित थी, ये सारी सर कोई बड़ी योजना? विपक्ष लगातार आपको घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्णप्रयाग विधानसभा का जो गैरसैंण है, गैरसैंण राजधानी क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया। कांग्रेस की सरकार ने अब तक, अगर इन्होंने ऐसे टोकना तो फिर कैसे डिबेट होगा? अगर डिबेट होगा मैं सर एक 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 क्रांति दल से सवाल ले लेते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से। सर, आप देख रहे हैं कि सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, घोषणाएं नहीं गिना पा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। आप नई पार्टी है, क्यों नई पार्टी नहीं, काफी पुरानी पार्टी, लेकिन आप नए प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, इनके द्वारा जो विकास हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? ये देखिए, हम सब मेरे मित्र जितने भी हैं वो भिन्न भिन्न दलों के हैं, राष्ट्रीय दलों से हैं, वो सब विकास चाहते हैं। बात यहाँ पे पहाड़ों की विकास की चलती है। जब भी हम कर्णप्रयाग विधानसभा की बात करते हैं तो हमेशा हमें केंद्र की नीतियां या पूरे राज्य की नीति बताई जाती है और मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल विरोध की बात नहीं करता, वो सिर्फ बात करता है अपने कर्णप्रयाग विधानसभा में
पहाड़ी मुद्दों को लेके, पहाड़ी विकास और हमारे इस विधानसभा का विकास कैसे हो, इस पे बात करता है। और मैं उसी पे कहता हूं कि हमारे दल का, उत्तराखंड क्रांति दल का जो जो नारा है, और हम संकल्प लेते हैं कि हम क्षेत्र में, हमारे पास राष्ट्रीय दलों के पास हो सकता है बड़ी बड़ी नीतियां जो केंद्र की हैं कहने के लिए, हम राज्य यानी कि क्षेत्रीय दल है, हम क्षेत्र की बात करते हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा में मैं आपको कहता हूं कि हमारा सबसे पहला जो फोकस है वो है हर घर रोजगार, हमारे पढ़े लिखे भाइयों को, युवाओं को रोजगार देना, ये हमारी प्राथमिकता है। और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, चाहिए तो सिर्फ एक नियत, क्योंकि ये रोजगार सहकारिता के माध्यम से, मैं आपको यहीं पे आपके मन से कहता हूं, सभी मेरे मित्र हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए इस रोजगार को गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और यहां तक कि राज्य स्तर पर दिलवाया जा सकता है। यह है हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता यह है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, यहां से अस्पताल भी हैं, लेकिन बात आती है जब उनके संचालन की, तो वहां पे जरूर कमजोर हैं हम। और इतने सालों में ऐसा नहीं कि हमारे मित्रों ने और हमारे नेताओं ने काम नहीं किया, लेकिन जितना होना चाहिए था पहाड़ों में, तेजी से होना चाहिए था, उतना तेजी से नहीं हुई। नई पार्टी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी, चुनाव लड़ना चाहती है उत्तराखंड में। सर, क्या नीतियां आप लोगों की चुनाव लड़ने से पहले, किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से हमने दिल्ली में काम करके दिखाए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, जो काम दिल्ली में हुआ है, केजरीवाल ने 70 गारंटी दिल्ली में दी थी चुनाव से पहले, और उस पे 70 के 70 गारंटियों पे काम हुआ है। उसी को लेकर के आज उत्तराखंड में जो शिक्षा की स्थिति है, सड़क की स्थिति है, बिजली पानी स्वास्थ्य की स्थिति है, उसी को हम मुद्दा बना करके जनता के बीच जाएंगे। और ये लोगों को ये समझाने में कामयाब होंगे कि पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश में बारी बारी से सरकार चलाई है, लेकिन सरकार चलाने के बावजूद वो लोग यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं की पूर्ति नहीं कर पाए हैं। तो आप करेंगे पूर्ति? आप करेंगे पूर्ति? बिल्कुल करेंगे, ये हमने करके दिखाया है। रोजगार के लिए केवल 5000 रुपए भत्ता देंगे या रोजगार देंगे भी? रोजगार भत्ता जो है वो 5000 रुपए इसलिए रखा गया है, हमारा लक्ष्य है कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम उत्तराखंड में 1,00,000 सरकारी नौकरियां देंगे, और जब तक सरकारी नौकरियां नहीं मिली जिसको, जिस बेरोजगार को, उसको तब तक 5000 रुपए सरकारी भत्ता सरकार देगी। भत्ता आप देंगे, फ्री का एजेंडा आपका है। सर, आप बताइए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है, जैसी बात मेरे मित्र ने कही, जो हमारे यूकेडी के साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उमेश भाई, उत्तराखंड क्रांति दल निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैंने राज्य बनाने के लिए डंडे खाए, मैंने मार खाई है, मैं जेल में रहा हूँ, उत्तराखंड का दर्द मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और जिस उम्र में मैंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, उस बेरोजगारी के दर्द को भी मैं जो भूल नहीं सकता, जिसके लिए हम उत्तराखंड राज्य की लड़ाई, हम उत्तराखंड राज्य में गए थे, उत्तराखंड राज्य की मांग हमने की थी, हमने अपने गाढ़ गदेरों की बात की थी, हमने अपने कोदे झोंगरों की बात की थी। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, हमारी कांग्रेस की, हमारी 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 1936 में, मैं अपने अपने दोस्त को कह देना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो श्रीनगर गढ़वाल में नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, वहाँ पर 1936 में पहली बार उत्तराखंड राज्य का संकल्प पास किया गया था। हमारी योजनाएं हैं, हमने जो है अभी हमारा मंथन शिविर जो हुआ था, और हम लोगों ने 3 दिन के मंथन के बाद एक स्पष्ट रूप से एक बात की है हमने, कि हम 2022 से लेकर के 27 तक हमको जनादेश का सम्मान करेंगे। जनादेश हमको जो मिलेगा, हम जो है उत्तराखंड को, जो पूरा 5 साल का हमारा कार्यकाल होगा, वो रोजगार के कार्यकाल के रूप में मनाएंगे। हम जो है, सरकारों का काम होता है कि उद्योग धंधों को पनपने के लायक माहौल तैयार करना, ताकि बाहर से उद्योग धंधे यहाँ पर आए, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां उसके हिसाब से उद्योग धंधे लगे, ताकि रोजगार के अवसर प्राप्त हों। और जो सरकार में बहुत सारे इन्होंने जो है अभी तक रिक्तियां नहीं निकाली हैं, अभी जाके जो तीसरे ड्राइवर जो बैठे हैं सरकार के, डबल इंजन के जो एक ड्राइवर हैं जो बैठे हैं, वो अब ताड़ बदोड़ घोषणाएं कर रहे हैं, है नहीं, जो जानते हैं, खुद समझते हैं कि इन 2 महीनों में ये कोई भी पद नहीं भरे जाने और कोई भरे जा सकते हैं, मात्र बेरोजगारों को छलावा दे रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे, प्रत्येक विभाग में जितने रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा, और उसके बाद जो लोग बचेंगे उसको निजी क्षेत्र में माहौल तैयार किया जाएगा, उद्योग धंधों का निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेंगे। रोजगार आप लोग देंगे, जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका कोई सवाल पूछना चाह रहे थे आप, कौन से राजनीतिक दल से सवाल है पहले तो ये बताएं। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा ये मानना है, अभी आप हमारे डिमरी जी कह रहे थे, हमारे भट्ट जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है
आप ये बताइए कि मनरेगा के अंदर 2-2.5 साल हो गया है और आज जो प्रधान मैं प्रधानी ग्राम सभा सामने आप ग्राम सभा जी आप प्रधान वहाँ का प्रधान हूँ। जब मनमोहन सिंह जी सरकार थी पैसा नवंबर के में आता था 3 टाइम में आता था। आज भारत सरकार जब चुनाव आ रहा तब पैसा दे रही है क्योंकि वो पैसा वहीं से आता है। पैसा नहीं मिल पा रहा है प्रधानों को काम करने के लिए गाँव में। सर ये सवाल है आप इसका जवाब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो पैसे में भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए ये इस तरह की व्यवस्था करी कि संबंधित लाभार्थी के सीधे खाते में पैसा जाता है और जब ग्राम सभाओं से बिल वाउचर पहुंचते हैं आज बिचौलियापन खत्म हो गया, डिजिटल इंडिया पे काम चल रहा है। तो इस तरह की शिकायतों का कोई आधार नहीं है। प्रत्येक ऋण की योजनाओं में हो चाहे मनरेगा की योजनाओं में है सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। इस तरह के आधार तथ्यहीन है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में किसी ग्राम सभा की देरी होगी इस पैसे भुगतान में देरी हो रही, अन्यथा इस पैसे में कहीं किसी तरह की भुगतान कब तक होगा उनका? लगातार भुगतान हो रहा है। अभी अब प्रधान जी ने खुद कहा कि पैसा आ चुका है, पैसा प्रधान जी ने खुद कहा कि पैसा खातों में आ चुका है। आज मनरेगा की ये स्थिति हो गई है कि मनरेगा को आप स्पष्ट देखेंगे तो आपकी ग्राम में जो है वो आपको प्रस्ताव तैयार करना है और ब्लॉक ने उस प्रस्ताव को एज इट इज भेजना है, लेकिन क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत प्रमुख सहित कई बीच में इनको जो है इन्होंने सीढ़ियां बना दी है उसमें ऑब्जेक्शन लगाने की, जबकि हम आपको कार्य योजना दे रहे हैं, आपको हम कार्य योजना दे रहे हैं, उतनी कार्य योजना आ ही नहीं रही है। आप अपनी जगह से बिना बात के उन योजनाओं को रोक दे रहे हैं, है नहीं? आज मनरेगा जिन मोदी जी ने कहा था कि विफलताओं का ढोल है, हम जिसको जो है पूरे विश्व में इसको मैं बंद नहीं करूंगा, लेकिन आपने देखा कोरोना काल में मनरेगा ही एक ऐसी स्थिति है, ऐसी योजना रही है जिसने गाँव की स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। और वो मनरेगा हम लेके आए थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार लेके आई थी। और सोनिया मनरेगा योजना को पसंद करती है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी मनरेगा को आगे फॉलो कर रही है, प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, परंतु मैं अभी ये नहीं समझ पा रहा, कि हमारे कांग्रेस के मित्र अभी तो कह रहे हैं केंद्र की योजनाओं पे बात नहीं करेंगे, केंद्र की उपलब्धि नहीं करेंगे, और सवाल केंद्र की योजना ये किस दिशा में बहस को ले जाना चाहते हैं आप? किस बोल रहे हैं? हमारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि मनरेगा विफलताओं का ढोल है जिसको मैं पीटना चाहूंगा। केंद्र की आप कहना क्या चाहते हैं? मनरेगा पहाड़ों के लिए मनरेगा दिग्भ्रमित है। जब मैं योजनाओं की बात करें आप कह रहे केंद्र की बात नहीं करेंगे, सवाल केंद्र की योजना को लेकर के करते हैं। प्रधानमंत्री का सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए, आप स्थानीय स्तर पर बात करिए कि आप मनरेगा को पसंद करते हैं नहीं करते हैं। आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलने दुष्प्रचार में माहिर है और यही कारण है कि सर और भी कई लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप युवा हैं, आपका कोई सवाल किसी राजनीतिक दल से? मेरा सवाल है कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? किससे सवाल है? किससे? भाजपा से। रोजगार सिलेंडर 1000 रुपए क्यों चले गया? जब सिलेंडर यूपीए की सरकार में 400 रुपए था तो इस मित्र ने अपने सर पे उठाती थी सिलेंडर, आज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज कहाँ गए हो? महंगाई पर सवाल पूछा है, युवा हैं कहते हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो सिलेंडर सर पर उठा के सड़कों पर विरोध करते थे, आज महंगाई हो गई है तो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, ऐसा जनता का कहना है? देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता है कुछ ना कुछ वो बोलेंगे, अगर महंगाई थी जन समस्याएं थी तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी जनता की समस्याओं को लेकर हमने सड़कों में संघर्ष करा। अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को लगता है कि जनता की कोई समस्या है उनको सड़कों पे आना चाहिए, जनता के साथ आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसी स्थिति क्यों बनेगी जनता या आम जनता को सड़कों पर आने पड़े? आपकी सरकार है, आपको करना चाहिए था कि जनता और लोगों को सड़कों पर ना आना पड़े। देखिए ये झूठे आरोप हो गई है। ये बताएं मेरे दोस्त ये बताएं कि जो महंगाई पहले इनके जमाने में डायन हुआ करती थी वो अब डार्लिंग हो गई है, डायन है? महंगाई पे महंगाई निश्चित तौर पर महंगाई को लेकर के अनर्गल दुष्प्रचार किया जा रहा है और ये बात लगातार गरीब आदमी दाल को छोंकना भूल गया है। कड़वा तेल अडानी जी का तेल जो है 250 रुपए लीटर कर दिया उन्होंने खाने वाला। आम आदमी से पूछते हैं, आम आदमी से सर महंगाई है ये खत्म हो गई है? महंगाई क्यों नहीं है? 70 रुपए का जो खाने का सरसों का तेल था आज वो 250 रुपए पहुंच चुका है, डीजल 100 पार पहुंच चुका है, सिलेंडर 1000 पार पहुंच चुका है। महंगाई तो है, केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द महंगाई पे रोक लगाए। महंगाई पर रोक लगाए लेकिन आप फ्री के एजेंडा दे रहे हैं तो महंगाई कैसे रुकेगी? सर आप बताइए महंगाई रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? देखिए महंगाई तो बिल्कुल सही रुकनी चाहिए लेकिन ये महंगाई रुकेगी कैसे? हम जब भी बात करते हैं अपने कड़प्याग विधानसभा की, मैं बार बार पहाड़ों की बात करता हूँ और यहाँ जितने मेरे भाई हैं वो जानते हैं कि
कि जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो हमारा पहाड़ का मुद्दा ही भटका दिया जाता है। महंगाई रुकेगी लेकिन कैसे रुकेगी? जब हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब हमारे पास उस सामान को खरीदने का पैसा होगा और वो आएगा ही रोजगार से। हम जब जब बात अपने कर्णप्याग की करते हैं, पहाड़ों की करते हैं, तो केंद्र की नीतियों की बात शुरू हो जाती है, केंद्र के कामों को गिनाया शुरू हो जाता है। मैं आज आपके इस माध्यम से कहता हूं, हम सबको जब तक हम अपने पहाड़ की बात नहीं करेंगे, जब तक क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, अपनी विधानसभा को बताने की बात नहीं करेंगे, अभी तक मेरे मित्र भाई सब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन अभी कर्णप्याग विधानसभा की जब बात आती है, उसके छोटे छोटे विषय आते हैं, तो सिर्फ मनरेगा के अलावा अभी तक कोई बात नहीं हुई है। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जब तक हम रोजगार जैसे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, और हमें भत्ता नहीं चाहिए, हमें मुफ्त की कोई भीख नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। मेरे इस पूरे पहाड़ में आपको जो पहाड़ दिखता है, यहाँ के युवाओं को, मेरे अपने भाइयों को नौकरी चाहिए, और उस नौकरी से इतना पैसा मिले कि हम महंगाई महंगी से महंगी चीज भी खरीद सके, लेकिन पहले पैसे तो आए हमारे जेब में, पहले पैसे तो आए उसके बाद खत्म होगी। मैं सर सवाल आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आप सरकार में हैं, रोजगार मिलेगा कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोगों को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश सरकार में कि जो राज्य सरकार के जो रिक्त पद थे, 24,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, नियुक्ति पे प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। एक दूसरी बात स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभकारी ऋण के लगातार शायद कांग्रेस वाले आजकल अखबार नहीं पढ़ते, इन्हें अखबार पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन विज्ञप्तियां जा रही है, 24,000 पदों पर विज्ञप्तियां जा रही हुई है। कितने दिन में पूरी कर लेंगे? बहुत जल्दी इन पर नियुक्तियां होगी। कांग्रेस सर मेरा एक सवाल है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मेरा एक सवाल है कि एक बेहतर अस्पताल इस विधानसभा सीट पर होना चाहिए था। एक सिमली में अस्पताल बन रहा था, 100 बेड का अस्पताल था, लेकिन अब वो केवल 30 बेड का हो गया। उसके पीछे की कमियां आपकी हैं या कांग्रेस की हैं? सिमली का जो बेस हॉस्पिटल है, अब इनसे पूछिए 30 बेड का क्या घटा के 30 बेड किया गया? क्या 30 बेड किया गया? बिल्कुल 30 बेड, 100 बेड का बेस। अगर झूठा अगर आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा आपके पास ऐसा कोई शासनादेश है तो लिखा है, अनर्गल झूठा है प्रलाप का, आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी उस बेस हॉस्पिटल में पद सृजन का 100 बेड का महिला बेस हॉस्पिटल स्वीकृत किया गया था खनन में, डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर। ऐसा कभी हुआ है कि अधिक बड़ी योजना को घटा के छोटा किया गया? ये झूठ की पराकाष्ठा है, झूठ की पराकाष्ठा है। ये कहना कि हमारी सरकार ने ट्रॉमा सेंटर बनाया, इन्होंने यहाँ गाय बांधनी शुरू कर दी है। हमारी सरकार ने जसारा में हॉस्पिटल बनाया, वहाँ जो है वहाँ मवेशी घूम रहे हैं। हमारी सरकार ने नोटी में हॉस्पिटल बनाया, वहाँ मवेशी घूम रहे हैं। हमारी सरकार ने गैरसन में हमारी सरकार ने जिस राजधानी की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने गैरसन में हॉस्पिटल बनाया, वहाँ लोग डॉक्टर के लिए स्पेशलिस्ट के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जवाब इनको देना है। सर जवाब दीजिए कि कितने डॉक्टर्स आपके अस्पतालों में मौजूद हैं? वर्तमान में इस प्रदेश की सरकार ने 800 से अधिक डॉक्टर। कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर कितने अस्पताल और कितने डॉक्टर मौजूद हैं? कर्णप्रयाग विधानसभा के एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं, परंतु जितने स्वीकृत पद हैं उसके सापेक्ष 85 से अधिक पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति और की है कुल पूरे। और कांग्रेस के साथी को मैं बता देना चाहूँ, इनकी 5 साल की सरकार में केवल 207 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी, केवल 400 डॉक्टरों की नियुक्ति सी इसी वर्ष अप्रैल में हुई है। डॉक्टरों के मुद्दे पे सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा इस वक्त उठाया है, और वो सबसे बड़ा है कि आपने बड़ी देर बाद कर्णप्याग विधानसभा का ये मुद्दा उठाया है, जिसमें एक बेस अस्पताल, बिल्कुल मेरे मित्र कांग्रेस के मित्र ने सही कहा, पहले वहां से शुरुआत हुई, उसके बाद वो दूसरे मित्र के शासनकाल में आया, लेकिन वो सिर्फ रोल बैक ही होता रहा, और बिल्डिंग जरूर बनी, मैं उसका स्वयं गवाह हूं, मेरे मित्र भी गवाह हैं, आप सब साथ थे। वो बिल्डिंग तो बनी, लेकिन जैसे हमारे मित्र ने कहा है, उसमें गाय भैंस और कुत्ते घूम रहे थे, और जब उसको चलाने की बात आई तो ना वहां डॉक्टर, और यहां तक कि अभी तक शायद वो हैंडओवर भी नहीं किया गया है। हम सब ने जितने आंदोलनकारी थे, हम सब ने मिलकर जब उसमें आंदोलन किया, तब जाके कहीं उसे एक कोरोना सेंटर में कन्वर्ट, क्योंकि घोषणाएं होती है अस्पताल इलाज के लिए होता है। सभी दल लगा रहे हैं आरोप कि वहाँ भेड़ बकरियां घूम रही है, क्या सही बात है? अनर्गल आरोप है, कुछ ना कुछ इन लोगों को बोलना है।
सिमली बेस हॉस्पिटल को सिमली नहीं बिल्कुल आप बोल लीजिए, अगर ऐसा आप करेंगे मैं डिबेट छोड़ दूंगा, अगर आप हर बार ऐसी चौकटोगी करेंगे नहीं चलेगा। नहीं सर, आप कैमरे पे जवाब। सिमली बेस हॉस्पिटल को अभी कोरोना के काल के लिए कोरोना हॉस्पिटल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का जहां तक विषय है, कर्णप्याग के हॉस्पिटल का उच्चीकरण कर डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल बनाया गया है, गैरसैंण में डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल को स्वीकृत किया गया है, और आज पहली बार आप मालसी में मैथान में सैलेश्वर में नोटी में भटोली में पहली बार MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। जो आप जिन बातों को मैं कर रहा हूं आप उनकी जाके पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है सर, सर विकास कर रहे हुए सर, आप कोई सवाल पूछ रहे थे, किससे सवाल है? मैं भाजपा अध्यक्ष भी नगर जी, पूछिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब ने अभी बोला कि हमने इस बेस की बुनियाद रखी, इस बेस में जब अस्पताल बेस जो मिली, इसकी जब किस्त आ रही थी तो बहुत धीमी किस्त आ रही थी। हमारे माननीय विधायक जी ने बोला ये कभी एक 5 लाख कभी 10 लाख इस तरीके से पैसे देते। हमारे माननीय विधायक जी त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, वो आपके पास गए, आपने बोला कि यार हमको इसमें एक साथ पैसा दिलाओ। माननीय विधायक जी के प्रयासों से एक साथ पैसा आया और हॉस्पिटल बन के तैयार रहे। उसके बाद उस हॉस्पिटल में अभी कोविड के टाइम पे पूरा आइसोलेशन जो पूरा सेंटर बनाया, आइसोलेशन सेंटर वहाँ पे रहा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चला। अभी नियुक्तियां वहाँ पे कुछ टाइम बाद वो रन होने वाला है। इसके अलावा उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन, अभी एनेस्थीसिया के डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट अभी आए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया काम स्वास्थ्य को लेकर माननीय भाजपा सरकार ने यहाँ बेहतर काम किया है। सर आपका कोई सवाल? मेरा एक लास्ट प्रश्न है, उसके बाद मैं अभी जो आपका सर सवाल हाँ मैं आपसे आप ही ना, जो मेरा सवाल है अभी जो नियुक्तियां हुई है फर्स्ट में उसमें ये है 64% वाला तो छूट गया, 58% वाला लगा दिया। जानबूझकर सरकार ने ऐसा कार्यक्रम किया है ताकि वो हाईकोर्ट चले जाए, सब नियुक्तियां बंद हो जाए, मेरे 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 नियुक्तियों को रोकने की कोशिश की गई। सर एक सर आपको किसी राजनीति से कोई सवाल? मुझे यूपीडीसी का सवाल पूछना है कि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, जब जब इन लोगों के विधायक जीते हैं, जीतने के बाद जनता इनके ऊपर विश्वास करके इनको वोट देती है। नहीं नहीं सर, यहाँ तो यूकेडी में कोई विधायक नहीं रहा। मैं उत्तराखंड के केवल सर, हम कर्णप्रयाग विधानसभा में, आपका कोई सवाल हो तो बताएं जी। तो मेरा यूकेडी से ही सवाल रहेगा कि है तो यूकेडी पार्टी के ना, है तो उसी पार्टी के, आप अगर जीत के जाते हैं इसकी क्या गारंटी है कि आप जनता ने जो आप पे विश्वास दिया है आप उस विश्वास के साथ खड़े रहोगे, ना कि किसी सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल जाओगे? अच्छा, क्योंकि इतिहास आपका यही रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जीतकर एक बार विधानसभा पहुंचते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप इनका विकास कार्य करेंगे, ना कि किसी सरकार के साथ सम्मिलित होकर मंत्री बनेंगे? आज हमारे मित्र ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं आज इसी मन से अपने भाइयों के बीच, अपने साथी नेताओं के साथ ये आपके साथ संकल्प करता हूं, क्योंकि मैं यहां पे संकल्प करने आया हूं। मैं संकल्प करता हूं कि यदि हमें आप अपना विश्वास देते हैं तो हम, यदि हमें विपक्ष में भी बैठना पड़े तो बैठे। और मैं आपको यह बता दूं, मैं आपको ये कहता हूं, यदि आते हैं तो हम किसी के साथ गठबंधन ना कभी करेंगे, ना पूर्व ना बाद। उसके बाद तीन विधायकों में तीन गुट बने हैं, मैं आपसे ये सवाल जरूर कहूंगा। हाँ बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन आपने ये सवाल कभी अपनी पार्टी से या कांग्रेस या भाजपा से नहीं पूछा, जहां रोज बदलते हैं किसी भी। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, मैं कर्णप्याग विधानसभा में पहली बार आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रवक्ता होने के नाते, आपसे ये एक प्रत्याशी होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि हम यहां से जीत के आते हैं, और यदि आपका विश्वास मैं आपको बना के देता हूं, ये मेरे वचन है कि हम इस विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक होने के नाते वो सब करेंगे जो एक मंत्री और सांसद को करने चाहिए, हम लेके आएंगे। मतलब विश्वास जनता को आप दिलाते हैं। सर आपका कोई सवाल? मैं व्यास सिंह बिष्ट आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। सर सवाल अच्छा सर, सवाल है कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य के बारे में, इन लोगों ने सबसे ज्यादा यहाँ को उत्तराखंड में शासन किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो। अभी मैं फील्ड से आ रहा हूँ, मैं गैरसैंण जाके आ रहा हूँ, गैरसैंण में वहाँ एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाए। सर एक बड़ा सवाल है सर का, कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने विकास कार्य किए हैं, आप दोनों के पास ही सरकार रही, आप भी सरकार में रहे, लेकिन राजधानी बनाना आप चाहते हैं गैरसैंण को,
लेकिन एक अल्ट्रासाउंड मशीन आप लोगों में से किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल में वहां नहीं रखी। पहला सवाल आपका सर, राजधानी की घोषणा आपकी सरकार ने की, ऐसी क्या स्थिति है कि वहां अस्पताल बेहतर नहीं है, डॉक्टर बेहतर नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है, लोगों को इलाज के लिए श्रीनगर या देहरादून जाना पड़ता है? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने करी है और उसके साथ साथ उस जगह पर अवस्थापना और सुविधाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 करोड़ की योजनाओं पर काम कर रही है, उसका मास्टर प्लान बन रहा है। और उसी जिस बात को आप कह रहे हैं उस बात को गंभीरता से लेते हुए गैरसैंण में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है और निश्चित तौर पर उसमें वो संसाधन जो आवश्यकता है उस क्षेत्र के लोगों के लिए है, अल्ट्रासाउंड ही नहीं उससे बड़ी सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उनकी व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था की जा रही सर, आप लोगों ने क्यों नहीं लाए वहाँ कोई बड़ा सेंटर? कोई किसी स्पेशलिस्ट को बैठने के लिए भवन की आवश्यकता होती है। हमारे माननीय हमारे जो डिप्टी स्पीकर पूर्व स्वर्गीय डॉक्टर अंशय प्रसाद मैकुरी, मैं उनको भी इसमें आपके मंच के माध्यम से याद करना चाहूंगा। उनके द्वारा जो गैरसैंण प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक चिकित्सालय उस समय गैरसैंण हुआ करता था, उसको पीपीपी मोड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में इसको चलाने का प्रयास, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये प्रयास किया गया था और ये प्रयास सफल भी हुआ। वहाँ डॉक्टर भी बैठे, फार्मासिस्ट भी बैठे, लेकिन ये सरकार जब से पहुंची है तब से न तो वो जो है वहाँ कोई डॉक्टर है न वहाँ स्पेशलिस्ट है। आए दिन वहाँ पर हमने जो है उसको होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन को बनाने के लिए पैसा भी स्वीकृत किया, उसकी योजना भी दी, उसका जियो भी जारी करवाया। हमने पूरा प्रयास किया गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो दिया। और सबसे बड़ी बात, किसी भी राजधानी को बनाने के लिए लैंड बैंक होना जरूरी है, भूमि का होना जरूरी है। हमने वहाँ भूमि को रजिस्ट्री पे रोक लगाई गैरसैंण में, ताकि कोई बाहर के लोग जो है जो भू माफिया है वहां पर काबिज ना हो सके। लेकिन ये सरकार काबिज होते ही इन्होंने सबसे पहले रोक हटाई और आज बड़े सारे मंत्रियों के और विधायकों के वहां पर जमीन ली है, खुद मुख्यमंत्री वहां पर जमीन लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने आमंत्रित किया है कि ये बहुत बढ़िया जगह है तमाम भू माफियाओं को हम क्या। अरे जब आपके पास जमीन ही नहीं रहेगी तो कौन सी योजनाएं बनेंगी, कौन सी योजनाएं बन पाएंगी, आप कहां से जमीन लेके आए? इसका जवाब जरूरी है। जिसकी बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वहां इनकी रोक के बाद स्थिति ये हो गई थी, स्थानीय लोग भी वहां मकान नहीं बना पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, स्थानीय लोग परेशान थे, स्थानीय लोगों को भी जो वहां बसना चाहते थे आसपास के उनकी व्यवस्था नहीं होती। कांग्रेस को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता और सरकार ने राजधानी क्षेत्र है राजधानी, हमने गैरसैंण राजधानी गैरसैंण से लेकर के चौखुटिया तक हमने गैरसैंण राजधानी क्षेत्र बनाया, वहां प्राधिकरण बनाया विकास के लिए और वहां पर जो है जो सुनियोजित विकास होता है, वहां सड़कें चाहिए। राजधानी बनेगी तो 10 फीट की गली में थोड़ी बनेगी, वहां 30 फीट सड़क चाहिए, 45 फीट सड़क चाहिए, उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है, वो किसी का मकान तोड़ के नहीं बनेगी। आज आप राजधानी का खाका कैसे तैयार करोगे, आपको भवन का मुआवजा देना पड़ेगा, आपको जमीन का मुआवजा देना पड़ेगा, आपने जिस रेट में लास्ट में रजिस्ट्री किया उस रेट में मुआवजा देना पड़ेगा। कांग्रेस की स्पष्ट एक रोड मैप पे चल रही थी, हमने विधानसभा भवन बनाया, हमने विधानसभा भवन का सचिवालय की नींव रखी, हमने यहाँ पे ऑफिसर हॉस्टल बनाए, हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, हम लोगों ने कैबिनेट बनाने से लेकर के हमने टेंट में विधानसभा चलाई और आज हमने इतना बड़ा भवन भारत का सबसे बड़ी विधानसभा बना के दी। इनकी सरकार आते ही उसको कहा कि हम इसको गेस्ट हाउस बनाएंगे, हम इसको जो है प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे और आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की। मैं तो कहता हूँ कितने दिन सरकार गैरसैंण से चली है बताइए। आप यहाँ पर आए और जो है आपको जो है पिछले साल को विधानसभा सत्र चला सर्दियों में बर्फ गिरी और सारे विधायक और मंत्री भाग गए, कांग्रेस का विधायक दल पूरा वहां डटा रहा और मजबूर में सरकार के चार विधायकों को अपने यहाँ पर रहना पड़ा क्योंकि कांग्रेस का पूरा विधायक दल सत्र के अंतिम दिन तक वहां पर बैठा हुआ था, मजबूर में सरकार वहां बैठी रही, सरकार बैठी रही। जवाब इस पर जवाब राजधानी का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री के बैठने का नहीं होता, राजधानी का मतलब होता है मुख्य सचिव वहां बैठे, वहां पर पूरा अमला जाए, वहां सचिवालय बैठे, वहां आम जनता की सुनवाई हो। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कितने दिन वहां पर सचिव बैठे, कितने दिन आपने जनता की सुनवाई सुनी? आप एक दिन तहसील दिवस लगा करके जनता को बरगला नहीं सकते क्या? ग्रीष्मकालीन चार दिन का नहीं होता, ग्रीष्मकालीन हमारे यहाँ काफी लंबा होता है। सर जवाब 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 सर, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करी और सब जानते हैं किसी भी जगह राजधानी के लिए बहुत सारी अवस्थापना सुविधाएं जोड़नी पड़ती। सर आपने घोषणा पहले क्यों करी, ये घोषणा पहले क्यों की? भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करी और साथ साथ 25,000 करोड़ रुपए के से रुक जाइए 25,000 करोड़ रुपए से 10 वर्ष के भीतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करी। अगर सवाल जवाब भी करना चाहते हैं तो पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस के इन्होंने क्यों नहीं करा? अगर सवाल में इस मुद्दे को उलझाना, ये कह रहे हैं कि हमने बिल्डिंग बनाई, सर आपने क्या किया? राजधानी कहाँ है इनसे पूछिए, कहाँ है? आपने एक विधानसभा भवन गैरसैंण में बनाया,
सर ये विधानसभा भवन बना राजधानी के मुद्दे पर आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए हमारे मित्र जो है, आपने जैसे ही स्वास्थ्य की बात कही मुद्दा भटका और पहुंच गए किसी और जगह पे। मैं स्वास्थ्य की आपसे बात करता हूं। यदि गैरसैंण की बात करें और यहां पे कर्णप्याग की बात करें तो अभी चुनाव से पहले, सिर्फ चुनावी राजनीति कहूंगा इसे मैं, एक रेडियोलॉजिस्ट आया है। और यदि गैरसैंण की बात करूं तो वहां वो भी नहीं है। वहां पे यदि इतनी बड़ी राजधानी की बात चल रही है तो एक अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। दूसरा, वहां प्राइवेट एक अल्ट्रासाउंड का एक क्लिनिक है, डॉक्टर चलाती है, जहां पे 1500 से लेकर 2500 तक उनको पैसे देने पड़ते हैं। मैं सिर्फ छोटी छोटी बातों की बात करता हूं कि यदि हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं तो अपनी जनता के हितों की, जब हम छोटी छोटी समस्याओं को नहीं सुलझाएंगे तो हमारी ये बड़ी बड़ी बड़े बड़े वादे केंद्र के और पूरे राज्य के वादे झूठे पड़ जाते हैं। मैं सिर्फ अपनी विधानसभा की बात करता हूं, पहले मैं अपने घर को सुधारना चाहता हूं और हम सब सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी विधानसभा के पहले सोचना होगा, पहले उसकी बात करनी होगी, पहले उसे सुधारना होगा, मूलभूत सुविधाओं को लाना होगा, उसके बाद हम बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े पहाड़ और हेलीकॉप्टर भी ले आएंगे। पहले मूलभूत सुविधा सुधारनी होगी, उसके बाद ही कुछ विकास इस क्षेत्र में हो पाएगा। सर आपको सवाल पूछ रहे थे, थोड़ा तेज बोलिए। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि तीन मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की बात बताइए, मुख्यमंत्री क्षेत्र की बात, तीन मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अरे आपके ही मंत्री आपके ही मुख्यमंत्री को नालायक क्यों कहते हैं? ठीक सर, आपका सर कोई सवाल, आपका कोई सवाल क्षेत्रीय, आपका कोई सवाल सर? पहाड़ों में सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का है, जो स्वास्थ्य को लेके है, लेकिन हमारे टाइम पे कांग्रेस सरकार ने बेस हॉस्पिटल की नींव रखी थी, जिसमें कि 100 बेड का हॉस्पिटल सिमने बनाया गया था, उसको घटा के आज 30 क्यों किया गया है? अगर कहते हैं कि स्वास्थ्य पहाड़ के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, अस्पताल का मुद्दा आप उठा रहे हैं। सर आप कोई सवाल पूछ रहे थे? मैं बोला, मैं कांग्रेस से सवाल से पूछना चाह रहा हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि उत्तराखंड आंदोलन में हर आंदोलनकारी, लेकिन इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की आखिर कर रही है। इनके मुखिया ने, कांग्रेस के मुखिया ने बोला कि उत्तराखंड मेरी लाश के ऊपर बनेगा। हमारी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, उत्तराखंड बनाया, विशेष राज्य का दर्जा दिया। आज अभी एक बार फिर बोले कि रेल की घोषणा हमारी सोनिया गांधी जी करके आई थी। अभी ये चार धाम को भी अपना बता रहे हैं। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति काम करने की है, वो करके दिखाया है। रेल आज पूरे दुनिया के मानचित्र में कर्णप्याग का नाम लिया जा रहा है। ये काम ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर रही है, इच्छा शक्ति काम करने की है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर विकास। आपका कहना है कि बेहतर काम हो रहा है। सर आपका कोई सवाल? धन्यवाद। मैं आपके चैनल का किस्सा कुर्सी का पक्ष ना विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन, इतने योजनाएं दिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गिन नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी का सब सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष के पास केवल पार्टी के लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं है। माननीय मोदी जी सरकार से काम कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई सामना नहीं है, भाजपा बेहतर काम कर रहे हैं। सर आपका कोई सवाल? आप लोग ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने अलग राज्य बनाया, हमने गैरसैंण को राजधानी बनाया। पहले मैं इनसे पूछना चाहता, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों की उत्तराखंड बनने से आम जनता को कितना फायदा हुआ? इस 70-71 लोगों को फायदा हुआ जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे और देहरादून में है जो अभी, तो ये बताए कि पब्लिक को क्या फायदा? इनसे ये पूछे कि उत्तराखंड राज्य बनने से, अलग राजधानी बनने से जनता को क्या फायदा हुआ? आप फायदा गिनाइए हमें। ठीक है, अलग राज्य बनने से क्या फायदा उत्तराखंड को हुआ? सर पहले आपसे देखिए, जिस राज्य की संकल्पना हमने की थी, अभी मेरे मित्रों ने भी कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये हमने बनाया। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों इस राज्य के विरोधी थे, और जब आंदोलनकारियों ने, पूरे राज्य के आंदोलनकारियों ने अपने लिए एक पर्वतीय राज्य की मांग की, तो जब बनने के बाद भी इसमें पर्वत तो छोटा रह गया, नीचे तराई जोड़ दिया गया और फिर वही कहानी शुरू हो गई, पर्वतों की यानी पहाड़ों की उपेक्षा। इस राज्य बनने के बाद हमेशा से पहाड़ों की उपेक्षा हुई। हाँ, मैं खुल के कहता हूं कि तराई का खूब विकास हुआ, लेकिन पहाड़ों की हमेशा उपेक्षा हुई। यहाँ पे ये मुफ्त की नीतियां डाल के हमारे पहाड़ों को, हमारे खेत बांझे पड़ गए, वहां पे खेती होनी बंद हो गई। हम कहते हैं कि पहले पहाड़ों पे ध्यान देना होगा, उसके बाद आपको जो करना है वो करें, लेकिन पहाड़ की जब तक
आप विकास की बात नहीं करेंगे हमारे पहाड़ों के लिए, जिसके लिए राज्य मांगा था, पहले आप उसकी बात करनी होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पहाड़ की बात करिए, तभी आपको पहाड़ में रहने का हक है, वरना आप जाइए। पहाड़ की बात कीजिए, उसके बाद ही पहाड़ में रहिए, ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल कह रहा है। सर, राज्य अलग मिला, कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? निश्चित तौर पर राज्य बनने के बाद से विकासात्मक गतिविधियां तेज हुई हैं, विकास का परिणाम सब लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सवाल उठाना कि राज्य क्यों बनाया, इसका क्या लाभ हुआ, ये बिल्कुल इसका मतलब राज्य की अवधारणा से को नहीं जानते हैं। ये जन भावनाओं का प्रतिरूप के परिणाम स्वरूप राज्य बना, एक एक उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने इसमें काम किया, और निश्चित तौर पर विकास की गति बढ़ी है, और जनताओं की मांग और विकास का संतुलन ऐसा ही है, विकास की मांग हमेशा कभी समाप्त होने वाली नहीं, एक सुविधा बनती है उसके अगली सुविधा की आवश्यकता पड़ती है, और विकास एक सतत प्रक्रिया, 20 सालों में बहुत सारे विकास के काम, विकास के कार्य हुए हैं, ऐसा भाजपा का कहना है। सर, आपका कोई सवाल, आप सवाल पूछ रहे थे। हमारा एक सवाल है साहब कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, 57 विधायक इनके पास है, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नालायक है, आपने 57 आदमियों में से लायक आदमी क्यों नहीं चुना? इस प्रदेश के लिए शर्म की बात है ये। तो सर, आपसे सवाल है कि मुख्यमंत्री को नालायक आपके मंत्रियों ने कहा? हरक सिंह का कुछ ऐसा एक बयान मैंने भी सोशल मीडिया में पढ़ा था, और कांग्रेस के मित्रों को शायद मैं बताना चाहूं कि हरक सिंह जिस बात को कह रहे थे वो इन मुख्यमंत्री के नहीं, हरीश रावत को नालायक बता रहे थे, जिनको लगातार जिस नालायक की वजह से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, जितने लोग जो नालायक मुख्यमंत्री वहां थे, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने नालायक मुख्यमंत्री छोड़ के भाजपा में आया, तो इनको समझना चाहिए कि नालायक मुख्यमंत्री कांग्रेस में थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को नालायक कह रहे थे आप। उसके अलावा जिस बात की ये बात कर रहे हैं, आप उस वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं, और उसमें माननीय मंत्री साहब कह रहे हैं कि सत्ता जो है नालायकों के हाथ में सौंप दी है। हरक सिंह जी की टिप्पणी के केंद्र में हरीश रावत थे, उस बयान से पहले आगे और पीछे के बयानों को भी आप देख सकते हैं, हरीश जान सकते हैं, ये मेरे दोस्त की कहना है। लेकिन एक हरक सिंह जी नहीं, माननीय मंत्री जी वही नहीं, यहाँ पे हमारे एक मंत्री जी धन सिंह जी कहते हैं मैं बारिश को हटाने वाला ऐप बनाना चाहता हूँ। क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दों पर। सर, बिजली फ्री देने की बात आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि फ्री का एजेंडा उत्तराखंड में होना चाहिए? देखिए, अगर इस देश में नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को अगर फ्री मिल सकता है, तो अगर उसमें हम लोग सब्सिडी का एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा अगर पब्लिक वेलफेयर में लगा रहे हैं, तो इसको आप फ्री नहीं कह सकते हैं। ये जनता को जो टैक्स हमें देती है, सरकारों को जनता टैक्स पेयर करती है, एक बच्चा पैदा होने से लेकर के और मरने तक टैक्स देता है, जो टैक्स अगर वो देता है सरकार को, तो उस टैक्स से टैक्स का रिबेट सरकार उसको वापस करती है। इसको फ्री फ्री मत चलाइए, ये सब्सिडी है जनता के लिए, या उनको सब्सिडी मिलती है, कोई छूट मिलती है, तो सब लोगों को परेशानी होने लग जाती है। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि फ्री जब आप लोग को, राजनेताओं को मिल सकता है, तो जनता को क्यों नहीं? देखिए, फ्री का मतलब ये नहीं है, क्षेत्र के विकास के लिए फ्री की योजना वो आई थी जो समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब कुचला है, जिसको समाज में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उसको सब्सिडी की शुरुआत की गई थी, जो कि संविधान सम्मत थी। अब इसको लोगों ने अपने वोट बैंक से जोड़ के, राजनीतिक दल जुड़ते चले गए, उन्होंने अपने जो है वोट बैंक से जोड़ के इस चीज को देखा, लेकिन ये विकल्प नहीं है, विकास का विकल्प ये नहीं है, विकास तो करना होगा। आवश्यकता ये है कि जो हम पहाड़ में, देखिए उत्तराखंड इस समय दो हिस्सों में, एक तो मैदानी क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र, निश्चित तौर पर दोनों जगहों की विकास योजनाएं एक समान नहीं हो सकती। आपको पहाड़ी क्षेत्र में जो विकास योजनाएं बनानी होंगी, उसको पर्यावरण को अनुकूल करते हुए, पर्यावरण के साथ साथ हमारे जल जंगल और जमीन को बचाते हुए, पहाड़ी लोग जो हम लोग हैं उनके जीवन रहन सहन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनानी जानी चाहिए, ताकि यहाँ पे जो हम फसल उगाते हैं, हमारी कृषि आधारित उद्योग लगने चाहिए, बागवानी आधारित उद्योग लगने चाहिए, डेयरी आधारित उद्योग लगने चाहिए। अफसोस की बात है कि ये नहीं कर पाए। जो आपने बात कही थी कि विकास की, हमारे पास दो बार उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका मिला, 2002 से लेकर 2007 तक 2002 से लेकर 2007 तक पंडित नारायण दत्त तिवारी की जो सरकार थी, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की, सैलाकुई में की, पंतनगर में की, और रामनगर में की, सिमली में की, बहुत सारी जगह है जहाँ जो है पहाड़ों में भी छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए और मैदानों में किए गए, ताकि पहाड़ों में भी और मैदानों में भी एक साथ उद्योगों का विकास हो, और इसमें विकास पर योजनाएं लगे तो उसमें लोगों को रोजगार मिले। उसके बाद हमारी सरकार बनी 12 से लेकर 17 तक, उन्होंने कृषि, कोदे झंगोरे की बात की हमको, कृषि बागवानी को बात की, हमारे आड़ू नारंगी की बात की, हमारी खुमानी की बात की, हमारी पुलम की बात की,
तो हमारी सरकार की स्पष्ट योजना यह है कि जिन भावनाओं से मैंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है, और मैं ही नहीं बहुत सारे साथी हमारे ऐसे थे जिन्होंने जो है कांग्रेस के साथी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, और यही हमारी आप कह रहे हैं आपने बेहतर सर बिजली फ्री देने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या सही है गलत है? देखिए प्रत्येक सरकार का प्रयास होता है कि अपने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को, दलित को, पिछड़े को, वंचित को किसी न किसी प्रकार से राहत दी जाए, परंतु किसी एक बिजली या दूसरी ऐसी किसी योजना में टोटली फ्री करने की बात करने से पहले आम आदमी पार्टी को बिजली के अर्थशास्त्र को भी बताना होगा कि ये आर्थिक रूप से राज्य बहुत कमजोर राज्य है, और ये लोक लुभावन घोषणा करने से पहले हमें ये भी बताना। अरे भाई हम भी बोले क्या भाई साहब, हम भी आए, हम भी बोले। आपको याद दिला रहा हूँ आपके माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री जी ने भी फ्री बिजली की घोषणा की है, उस पे भी जवाब दो। इनका जवाब दे दे, आपका जवाब दे दे। बिजली भी निश्चित तौर पर सरकार ऐसी राहत का प्रयास करती है, परंतु किसी भी चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए कोई ऐसी घोषणा करना जिसको कलम पूरा ना कर पाए, ये राजनीतिक तौर पर सभी राजनीतिक दलों के लिए कठिनाई है, और राजनीतिक दलों को चाहिए कि अपना एजेंडा घोषित करने से पहले उसकी व्यवहारिकता की पुष्टि करें कि क्या इसका हम पालन कर पाएंगे। क्या पालन कर पाएंगे सर? आपके मंत्री हरक सिंह जब ऊर्जा मंत्री बने उन्होंने की, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा की, क्या कहा मैं आपको बताऊं साफ तौर पे, उन्होंने ये कहा कि हम देखेंगे उपलब्धता हमारे पास कितनी है, उसके बाद हम जो है पूरा डाटा तैयार करके हम जो है 200 यूनिट तक बिजली फ्री हम देने की स्थिति में आ सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। और आज भी हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं मुफ्त की योजनाएं तो बहुत लोग चलाते हैं, हमारी पिछली योजना जो पिछला बजट जो सरकार का है, आपको पहले राज्य की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए जो भी मुफ्त की बात कर रहे हैं। पिछला बजट हमारी सरकार का 85,000 करोड़ था, जो कि 55,000 करोड़ था, जो कि 15,000 करोड़ सरप्लस था, और उस स्थिति में जब हम अपनी पूरी उसका बजट का 85% अपने नॉन प्लान में खर्च करते हैं, तो समझ सकते हैं कि सरकार ने जो है राजस्व अर्निंग करने की कोई योजना नहीं बनाई। आपने जो है नेताओं की नॉन प्लान का बजट 85% है, 15% में क्या विकास करेंगे ये? सर आपके मंत्री ने भी कहा था, आप बताइए। निश्चित तौर पर सरकार ने के सामने जब इस तरह के लोक लुभावन घोषणाओं की चुनौती आती है तो प्रत्येक राजनीतिक दल उन योजनाओं में क्या वैकल्पिक और व्यवहारिक स्वरूप होता है। आप देंगे अभी हमारी सरकार ने इस बात को लेकर के अपनी कोई स्पष्ट नहीं करा है, परंतु मंत्री जी ने तो खुल्लम खुल्ला जैसी वो ऊर्जा मंत्री बने उन्होंने घोषणा की। ये सरकार का सामूहिक निर्णय होता है, इस तरह के निर्णय किसी एक व्यक्ति या एक मंत्री से नहीं होते, सरकार के निर्णय कैबिनेट से लिए जाते हैं, जब कैबिनेट किसी निर्णय को पारित करती है उसी के बाद उसको सरकार का निर्णय लिया जाता है। हो सकता है ऊर्जा मंत्री की इस तरह में इच्छा रही हो, परंतु अभी तक कैबिनेट ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं, जैसा वो निर्णय कभी लेती है तो निकट भविष्य जनता के सामने। ठीक सर, आप बताइए सर फ्री बिजली मिलनी चाहिए? देखिए एक तकरीबन 60,000 करोड़ के कर्जे में डूबे हुए एक राज्य में जब लोग ऐसी बात करें कि फ्री बिजली, ये तो हास्यास्पद बात है। हाँ जरूर, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि शोषित वर्ग और पिछड़े हुए वर्ग के कुछ ऐसे तबके जिसमें कुछ स्कीम के तौर पे यदि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था बनाती है तो वो शायद पूरे राज्य को एक्सेप्टेंस रहती है उसकी, लेकिन फ्री में देना ये तो अपने आप में एक हास्यास्पद बात है, क्योंकि 60,000 करोड़ के तकरीबन हो ही नहीं सकती एक, और दूसरा हमारे पहाड़ों को ये फ्री का कुछ नहीं चाहिए। आप रोजगार दीजिए, जो कि हम बात करते हैं रोजगार की, आप हमें शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, ये फ्री का जो भी लुभावना है ये पहाड़ से नीचे छोड़ के आइए तराई में, हमारे पहाड़ों को फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं राज्य आंदोलनकारी होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा, माननीय मेरे साथी जो बैठे हुए मेरे दोनों तरफ, माननीय उत्तराखंड क्रांति दल से माननीय उमेश खंडूड़ी जी और मेरे आम आदमी पार्टी से चौहान जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि बिजली ही क्यों, हमें गैस भी फ्री मिलना चाहिए, क्यों हम देश के पर्यावरण की रक्षा करते हैं? हमको केंद्र सरकार ग्रीन बोनस दे, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से हमारे ग्रीन बोनस का पैसा दे, हम जो है बिजली भी फ्री देंगे, हम गैस भी फ्री देंगे, हम जो है हर चीज मुफ्त में देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ग्रीन बोनस का पैसा दे। अरे हम पानी देते हैं हम पूरे भारत को पानी देते हैं, हम करने वाला कांग्रेस कितना झूठ बोल ले, जनता आप कुछ भी फ्री दीजिए, आपको जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, आपको फ्री देने के बाद भी कोई वोट देने वाला नहीं है। हमारी सड़कें रुकी हुई है पर्यावरण में, 70 साल कांग्रेस ने राज कर क्यों नहीं दिया? पर्यावरण की वजह से मेरी माँ के सिर का बोझ नहीं उतरा, क्यों मेरे गांव में सड़क नहीं पहुंची,
मेरी बहन के कमर का बोझ नहीं उतरा पर्यावरण के चलते, क्योंकि पर्यावरण के चलते जो है सड़क नहीं पहुंची। विकास का राज क्यों करा? कांग्रेस ने सबसे अधिक राज करा। जनता अगर कष्टप्रद है तो कांग्रेस ने करा क्या सर? मैं तो ये कहना चाहूंगा, विकास एक प्रक्रिया है। अगर कर्णप्रयाग तक सड़क नहीं आती तो गैर सड़क कैसे जाती? कर्णप्रयाग तक सड़क नहीं आती तो नोटी कैसे जाती? कर्णप्रयाग तक नहीं आती सड़क तो कंडारा कैसे जाती? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कई सड़कें पर्यावरण के आपत्ति के कारण रुकी पड़ी हैं, हमको इसका मुआवजा मिलना चाहिए। और इसमें नहीं, जंगल में नहीं, हम पानी देते हैं पूरे भारत को। गंगा यमुना उत्तराखंड से निकलती है, हम ग्लेशियरों की रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ गौरा देवी ने पेड़ों में चिपक करके पेड़ों की पर्यावरण की रक्षा की। हमको उस ऑक्सीजन की रॉयल्टी मिलनी चाहिए, आपको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। सर सर सभी लोग कह रहे हैं कि फ्री का एजेंडा उत्तराखंड में नहीं चलेगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये फ्री है ही नहीं। कौन इसको फ्री बोल रहा है? बार बार फ्री फ्री करके क्यों चला रहे हो इसको? हम बोल रहे हैं, बच्चा जब पैदा होता है और मरने तक टैक्स देता है, उसके टैक्स से जो सरकार के पास टैक्स जाता है उसकी छूट है, वो टैक्स उसको जनता को उसकी सब्सिडी मिल रही है, फ्री तो है। एक 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 सर एक आखिरी सवाल मेरा सभी राजनीतिक दल से, क्या गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहिए? आपकी क्या मांग है? क्या सर? गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए, गैरसैंण जन भावनाओं के अनुरूप स्थायी राजधानी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि ये राज्य पहाड़ को देख के बना हुआ था और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? आम आदमी पार्टी बनाना चाहिए राजधानी के पक्ष में, स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पार्टी के महामंत्री हूँ। अलग अलग मंचों पर मेरे पार्टी के सारे बड़े नेताओं ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे केंद्रीय महामंत्री हो, चाहे वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हो, स्पष्ट बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी आते ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी देगी। स्थायी राजधानी सर, गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए, गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए। उसी स्थायी क्यों मनाई? इसी दिशा में कदम बढ़ाया है स्थायी राजधानी के लिए, जिस कारण राजधानी करी है ताकि अवस्थापना सुविधाएं जुटे और उस दिशा में आगे बढ़े। अचानक से एक रात में कहीं भी राजधानी खोली घोषणा नहीं कर सकता कोई भी सरकार, इसलिए उस दिशा में कदम। आप दोबारा सत्ता में आएंगे तो उम्मीद है कि स्थायी राजधानी होगी या पहले ही बना के जाएंगे? हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद गैरसैंण में स्थायी राजधानी भी बनेगी। आप ही बनाएंगे? बिल्कुल, हमने राज्य बनाया, राजधानी भी हम ही बनाएंगे। ठीक है सर, राजधानी होनी चाहिए गैरसैंण में। बिल्कुल, क्रांति दल का एक ही नारा था, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में, और हम कहते हैं कि हम हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं, हम इसे लेके आएंगे, चाहे अब कुछ भी हो, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्रांति दल का पहले से ही नारा था, हमारी राजधानी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में, गैरसैंण राजधानी बनकर, गैरसैंण राजधानी हो। मैं अपने एक दोस्त का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि अभी ये मेरे दोस्त ने कहा कि जो है हमने 70 साल में क्या किया, मैं इनको बताना चाहता हूँ, हमने 70 साल में वो किया जो ये देश के सरकार चला रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे नालायक औलाद वो होती है जो घर के बर्तन बेच के अपने घर का खर्चा चलाती है। जो हमने 70 साल में इकट्ठा किया था, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, पानी बेच दिया, हवा बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, बड़े इंदिरा जी ने टाटा एयरलाइंस को इंडियन एयरलाइंस बनाया, हमारी कांग्रेस की सरकारों ने, इन्होंने उसको फिर टाटा एयरलाइंस बना दिया। ठीक सर, कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर हम चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जनता किसे चाहती है, कितना विकास कार्य इस सीट पर हुआ। अब देखना होगा कि 2022 चुनाव में जनता किसको जिताकर फिर एक बार विधानसभा पहुंचाती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वर इंडिया का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी। आज हम पहुंचे जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर, देखना होगा कि इस क्षेत्र पर कितना काम हुआ है, जनता के कामों से कितना खुश है। रोजगार के लिए केवल 5,000 रुपए बताएंगे या रोजगार देंगे? मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।